कर्ली बियर्ड हेयर्स को कैसे स्ट्रेट किया जाता है। अगर आपके दाढ़ी के बाल भी घुंघराले टेढ़े आड़े हैं या आपके सिर के बाल भी कर्ली हेयर्स हैं यानी घुंघराले टेढ़े आड़े हैं, तो उनको कैसे स्ट्रेट सीधा किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऑयल बताने वाला हूं और एक साबुन सॉप बताने वाला हूं, जिसका यूज करने से आप आपके हेयर्स को स्ट्रेट सीधा कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ब्लैक स्पेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज, मैन, वुमेन, कोई भी हो। आजकल ये प्रॉब्लम सभी के आने लगी है। हेयर्स जैसे बड़े होते जाते हैं तो उस कंडीशन में वो कर्ली हेयर्स होने लग जाते हैं, यानी वो घुंघराले टेढ़े आड़े होने लग जाते हैं, तो उससे आपका हेयर्स का इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये होने का रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप आपके हेयर्स पर गंदगी रखते हो, उसकी ठीक से सफाई नहीं करते हो, तो उसके रीज़न से वो मुरझा जाते हैं, वो ड्राई हेयर्स होने लग जाता है, जिससे कि वो हेयर्स काफ़ी जल्दी टेढ़े आड़े घुंघराले होने लग जाते हैं। नेक्स्ट होता है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, इन सब के अगर हेयर्स वैसे ही है जैसे कि आपके हैं तो आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई सा शैम्पू मान के चलो, सॉप मान के चलो, या कोई सा हेयर ऑयल मान के चलो या बियर्ड ऑयल मान के चलो, जिससे कि वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है और आपके हेयर्स को बेजान बना रहा है, जिससे कि आपके हेयर में दमी नहीं है और फिर वो कहीं ना कहीं बेजान हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसके रीज़न से आपके हेयर्स टेढ़े आड़े घूमने लग जाते हैं, यानी घुंघराले हो जाते हैं, जिसको कर्ली हेयर्स बोलते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा सॉप यूज़ करना चाहिए आपके बियर्ड पर और आपके हेयर्स पर, जो कि आपके हेयर्स काफ़ी जल्दी स्ट्रेट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ नंबर वन सॉप। ये मैं खुद यूज़ करता हूँ बियर्ड वॉश करने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए, यहाँ तक कि मैं इससे नहाता भी हूँ। तो इससे क्या होता है, इसमें एलोवेरा एंड नींबू होता है, जिससे आपके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं और आपके हेयर्स पर जो भी गंदगी है वो ये बिल्कुल साफ कर देता है, ए टू जेड आपकी पूरी गंदगी, पूरी जो स्मेल सभी से सब कुछ साफ कर देता है। ये कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप आपके हेयर्स को स्ट्रेट करना चाहते हो, बियर्ड हेयर्स को स्ट्रेट करना चाहते हो, तो आप इससे आपकी बियर्ड वॉश जरूर करें। आपको इससे नहाना है, नहाने टाइम आपको इसकी बियर्ड वॉश करना है, या फिर आप सोने से पहले आप आपकी बियर्ड को वॉश कर सकते हैं। आपको दिन में 2 से 3 बार आपकी बियर्ड को, आपके हेयर्स को वॉश करना, जिससे कि आपका पूरा दिन हेयर्स जो रहते हैं ना वो बिल्कुल सिल्की एंड सॉफ्ट रहेंगे। नेक्स्ट होता है, आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, सरसों ऑयल। आप कोई सी भी क्वालिटी का लेके आ सकते हो, 10 रुपये का ये आता है। 10 रुपये में आपको कम से कम 1 से 2 महीने आपकी बियर्ड और आपके हेयर्स पर ये आराम से हो जाएगा। तो अगर आप इसका यूज़ करते हो तो ये एक बहुत तेज ऑयल होता है, जिससे कि आपके पूरे हेयर्स को चिपका कर रखता है, पूरे हेयर्स को एकदम स्ट्रेट यानी बिल्कुल उनमें जान डाल देता है, और जान डालने के बाद आपके हेयर्स ऑटोमेटिक सीधे होने लग जाते हैं। इसको लगाने के बाद आप एक बार आपके हेयर्स पर कंघी जरूर करें, आपकी बियर्ड पर कंघी जरूर करें, जिससे कि पूरे हेयर्स जो उलझ जाते हैं वो ये निकाल देता है। ये ऑयल बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं इसको स्टार्टिंग से इसको यूज़ करता हूँ नहाने के बाद अपने हेयर्स पर और अपनी बियर्ड पर, इसी का ही यूज़ करता हूँ। कभी कभी यूज़ करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं रोज़ यूज़ करता था एवरीडे, लेकिन अभी मैं 2 हफ्ते में एक ही बार यूज़ करता हूँ। तो इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी? ये 10 रुपये का 100 आता है, ये 10 रुपये की 1 पाउच आती है। इसके अंदर आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके हेयर्स को आप स्ट्रेट सीधा करना चाहते हो तो। अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए इसी के लिए, आपके कर्ली बियर्ड है, कर्ली हेयर्स है, उसको स्ट्रेट करने के लिए आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर लिए, तो एक बार इसका यूज़ करके ज़रूर देखें। और आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है कब से है, कितने दिनों से है, वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।